जान दीजिए ना इसके बारे में कि सांप बहुत जहरीला होता है, इसका जहर नहीं मिलता। हाँ साफी है, साफी खाता है। तुम्हारा हम हाँ, फोन किए थे डंटा में जो सांप दाब कर रखे हैं, हमें फोन करके बुलाए। यार ये तो बैंडेड क्रैत है। कौन क्रैत है भैया, कौन सांप है? छोड़ दे, बैंडेड क्रैत मतलब। चलो इस सांप के बारे में पूछो, हम तुमको विस्तार से बताएंगे, चूंकि लाइट का प्रबंध नहीं है। तुम्हारा बरंडा, चलो आइए आइए, आप लोग सब मिल के आइए मेरे साथ। आइए बाहर में बताइए ना। ए बुच्चू, बुच्चू आइए आइए, बुच्चू जी आइए इधर। हेलो, बुच्चू जी, साधु बाबा इधर आइए, साधु बाबा आप आइए। तो पैदल है ये, अगर सांप किसी भी इंसान को काट ले तो इसका इलाज भी नहीं है, ये बैंडेड क्रैत है, लेकिन जल्दी ये बाइट नहीं करता है। तो इसी तरह हम चाहेंगे कि हमारे बुच्चू बाबा थोड़ा गले में ले ले। दोस्तों आप लाइव देख रहे हैं, सांप को मारे नहीं, ये हमारे पर्यावरण मित्र हैं। सांपों का रक्षण से होगा पर्यावरण का संरक्षण। आप ज्यादा संख्या में सांप मारते हैं, चूहों का संख्या बढ़ जाता है। चूहा क्या करता है, 70% धान और गेहूं को खा जाता है। क्योंकि चूहा हर महीना बच्चा देता है और सांप साल में एक ही बार अंडा बच्चा देता है। दिस इज इको बैलेंस सिस्टम। पर्यावरण में सांपों को बचे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी हम बताना चाहेंगे कि ये बैंडेड क्रैत है, ये अभी बेबी है। लास्ट हमारा झारखंड में 10 से 12 फीट का पाया जाता है। और ये आहार यानी फीड्स क्या लेता है, दूसरा सांप को पकड़ के ये भोजन के रूप में खा जाता है। तो हम तो जंतु प्रेमी आदमी है ही हैं, हमारे साथ साथ तमाम पंचेतवासी भी जंतु प्रेमी आदमी है। और सांप जो हम रेस्क्यू करते हैं, बचाने का जो जुनून है, इस जुनून में बुच्चू जी का एक छोटा भतीजा भी इतना मैंने क्या कहा जाए, तेज निकल गया है। आने वाला दिन में ये हमसे भी बढ़िया स्नेक सेवर बनेगा। हमारा मानना है कि आने वाला जो दिन होगा, आने वाला जो समय होगा, उस समय तो हम बूढ़े हो जाएंगे। आज मान लिया ऐसे भी 48 चल रहा, 10-20 साल में हम चले जाएंगे, लेकिन आने वाला जो दिन होगा, आने वाला जो युग होगा, उसमें एक उभरता हुआ घर का एक हमारा ही भतीजा निकलेगा, जो सांपों को बचाने का अभियान में ये भी जुड़ चुका है। तो बुच्चू जी आप देख रहे हैं ना, ये बैंडेड क्रैत है, ये लगभग 8 से 10 फीट का पाया जाता है। और ये जल्दी काटना नहीं चाहता है, इसका नेचर है जल्दी काटना नहीं। 50 साल के दरमियान स्नैक ऑफ इंडिया के किताब के माध्यम से सिर्फ एक ही आदमी का मौत हुआ है। क्या हुआ है, एक ही आदमी सांप के काटने से मरा है। ये जल्दी काटता नहीं है। और इस सांप का मूवमेंट क्या है, लेट नाइट, हमेशा अंधेरा में निकलना और भोर होते होते छुप जाना। ये दिन में कभी निकल दिखलाई नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, आप ज़्यादातर गाछ वृक्ष लगाइए, पौधा लगाइए, पेड़ लगाइए। सेव ट्री सेव लाइफ, सेव ट्री सेव लाइफ, उसी तरह सेव स्नैक सेव लाइफ। तो आप मेरा वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें, और क्या करें, लाइक करें, एक घंटी दबा दें, ताकि आने वाला तमाम सांप से जुड़ा हुआ जानकारी आपका मोबाइल तक पहुंचता रहे। और हमारा चैनल का नाम है स्नैक रेस्क्यू टीम पंचेत डैम।